हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन की नहारी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। देखिए, मैंने इसके लिए लिया है आधा इसमें बोंग का गोश्त है और आधा ही इसमें साफ बोटियाँ हैं। ज़्यादातर बोंग का गोश्त लेंगे, नहारी तभी अच्छी बनती है। ये देखिए, मैंने बोंग का गोश्त लिया है। बोंग का ही गोश रखना होता है तो ही नारी अच्छी बनती है और साफ भी ले सकते हैं आप। और इसके लिए मेरे लिए हैं 3 प्याज लिए हैं, 1 टमाटर है, आधी कटोरी दही है और 3 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। और ये सब डेकोरेशन के लिए, हरा धनिया, हरी मिर्ची तो सब होता ही है। और मेन है इसमें ये शान दहली का नहारी मसाला। आप है ना, इसी का शान दहली का ही नहारी का मसाला यूज़ कीजिएगा, ये बहुत अच्छा होता है नहारी के लिए। और ये आप बाज़ार से 1 किलो गोश्त के मसाले का ही पैक कहकर लाइएगा। अगर आपका गोश्त 2 किलो है तो आप 2 किलो का पैक खरीदेगा। अगर एक ये 1.25 किलो है तो आप 1 किलो का ही मसाले का पैकेट लाइएगा। 1.25 किलो में 1 किलो का ही मसाला काम कर जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने तेल इसमें 3 से 4 स्पून सरसों का तेल लिया है और ये प्याज हमने आधी काट ली थी, बारीक काटी है, आधी मोटी काटी है। आधी प्याज हम ऐसे मिला रही है। अच्छा, प्याज को फोड़ने के बाद हम गोश्त डालेंगे इसमें। देखिए, प्याज हल्की हल्की ऑफ वाइट हो गई है। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। इसमें हमें नली भी डाली हुई है। हम इसे तेल में अच्छे से फोड़ेंगे, उसके बाद फिर मसाले ऐड करेंगे। पहले हमें अच्छे से तेल में फोड़ना है 2-3 मिनट के लिए या फिर 4-5 मिनट के लिए। हमें पहले उसको ऐसे ही फोड़ना है। देखिए, हमने 5 मिनट तक गोश्त अच्छी तरह फोड़ लिया है। हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। जो हमने आधा 1.5 प्याज मोटी काटी हुई थी वो डालेंगे सबसे पहले। लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टीस्पून है। लहसुन अदरक का पेस्ट कहीं डाल मिलता में डालना होता है, तभी टेस्ट आता है। हम कोई भी रेसिपी बनाएं लेकिन लहसुन अदरक सही मिकदार में होगा तभी हमारे खाने में टेस्ट आएगा। ज़्यादातर लोग बहुत कम डालते हैं लहसुन अदरक। और ये हम मसाला ऐड करेंगे। आप यही खाने देने के लिए लीजिएगा, यही अच्छा रहता है नहारे के लिए। और नमक हम करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हम इसमें 1 गिलास पानी डालकर इसको ढकना लगा देंगे और गोश्त गलने तक इंतजार करेंगे। एक गिलास पानी डालेंगे क्योंकि हमें गोश्त अच्छे से गलाना है। 1 सीटी आने के बाद हम इसे हल्का कर देंगे और कम से कम आधे घंटे बाद हम इसे खोल कर देखेंगे। हम इसे ढकने लगा देंगे और 1 सीटी आने के बाद ही हम इसे कम से कम आधे घंटे बाद खोल कर देखेंगे क्योंकि हमें गोश्त का अच्छे से गलाना होगा। देखिए, हमने इसे 1 सीटी लगा के उसके 20 मिनट बाद 25 मिनट बाद खोला है। देखिए,
अभी इसमें पानी थोड़ा सा बाकी है, गोश्त तकरीबन हमारा गल चुका है। ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है अभी, लेकिन इसमें पानी है थोड़ा, और हम इसे अभी पानी ख़त्म करेंगे और साथ के साथ हमें भूनेंगे भी। देखिए इसमें थोड़ा पानी है और इसमें हम भूनेंगे, पानी भी ख़त्म हो जाएगा साथ के साथ हम भून भी लेंगे, और गोश्त माशाल्लाह से गल चुका है। बस हमें थोड़ी देर से भूनना है, भुन गया है। अब हमें इसमें आला लगाना है ना आटे का, मैंने आपको पहले नहीं बताया था, आला लगाना है। आला लगाने से पहले ही मुझे इसका रोगन निकालना है, ताकि इसका आला लगाने के बाद रोगन मर जाता है, इसलिए हमें पहले इसका रोगन बाहर निकाल लेना है। सारा रोगन साथ मैं इसका पहले बाहर निकाल लूँगी। मैंने देखे रोगन निकाल लिया है, और ये अभी अच्छे इसको हमने गैस जला रहने दिया है, थोड़ा सा और भुन रहा है, इतने हम इसको आला लगाएंगे। आले में हमने एक बहुत कम मुट्ठी आटा लिया है, बल्कि मैदा लिया है। आप इसमें पानी डालकर घोल बनाकर इसमें डालेंगे, या तो आप चने का आटा भी ले सकते हैं। चने का नहीं बनना, मैदे से बहुत अच्छा कलर आता है, इसलिए आप मैदा ही लीजिएगा। मैंने लेकिन ये आटा लिया है। देखिए हमने घोल बना लिया है आटे का, और हम इसे इसमें डालेंगे, और हम इसे डालने के बाद अच्छे से चलाते रहेंगे। और फिर हम इसमें पानी डालेंगे, अगर हमें लग रहा है हमने कम लगाया है आला, तो हम इसमें और डालेंगे थोड़ा सा। आप मैदे का ही आला लगाइएगा, मैदे का बहुत अच्छा रहता है, टेस्ट भी अच्छा आता है, और मैन तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है मैदे का। और हम इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी रखेंगे, ये देखिए। अब हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे। मैंने तकरीबन इसमें आधा गिलास पानी डाला है, आधा आला डाला है, आधा कटोरी और आधा गिलास ही पानी डाला है। अब इसे थोड़ी देर पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना, बस हमें आँच लगानी है इसमें, ढककर हमें हल्की आँच लगाएंगे। देखिए हमने चंद मिनट इसमें आँच लगाई है खाली, और देखिए इसका कलर कैसा हो गया, इसलिए हम रोगन पहले निकाल लेते हैं। अब जब तक तो अब इसके अंदर उसका देसी घी का, वरना फिर आप रिफाइंड का भगार भी लगा सकते हैं। वैसे देसी घी का या बटर का लगाएंगे तो आप काफ़ी अच्छा होगा। देखिए ये मैंने देसी घी का भगार लगाया है, आप चाहे तो रिफाइंड का भी बटर का भी लगा सकते हैं। हमारी नहारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, रेसिपी पसंद आती है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए हम इसे गर्म गर्म सर्व करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसके लिए इसमें हमें रोगन ऊपर से डालना होगा, क्योंकि आले से रोगन मर जाता है इसका। इस तरह से हम इसे साफ करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये देखिए आज की वीडियो बस इतनी ही काफ़ी है, आज का यहीं तक। हम आपसे अगली वीडियो में बात करते हैं, मिलते हैं।